सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एरेंगल 2.0 की मैप को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो एरेंगल 2.0 पबजी मोबाइल के बीटा वर्जन में आ चुका है, तो आज हम लोग वो खेलने वाले हैं और देखने वाले हैं वो मैप कैसा है। तो आज मैं रिलीज डेट भी बताऊँगा। तो ये लॉबी कुछ इस तरह सा है कि मतलब स्वाइप करने से ये इधर आता है। तो वन सेकेंड, तो यहाँ पे आपको ये रहा हमारा लॉबी कुछ इस तरह से। इधर स्वाइप करने से आपको सारा ये सब दिखेगा, इवेंट सब। तो पूरी तरह से लॉबी चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हो स्टार्ट का बटन नीचे आ चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और इन्वेंट्री का नाम वेयरहाउस हो चुका है, तो ये पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैप्स में देखें तो क्लासिक मैप में आपको मिल जाएगा वही एरेंगल एशियंट मोड के साथ, लिविक ये सब। लिविक अब वो बीटा वर्जन नहीं रहा, नहीं अभी भी बीटा वर्जन ही है। तो लिविक का पता नहीं कब आएगा वो ओरिजिनल वर्जन। आर्केड भी वही है, रिवो ग्राउंड भी वही। मैं ये सब खेल के दिखाता, लेकिन अभी इसके लिए लेवल 10 तक जाना पड़ेगा कि इसमें नया कुछ आया कि नहीं, वो देखना तो चाहता था, लेकिन अभी तो लेवल 10 रेंज जाना पड़ेगा। तो हम चलिए अब देखते हैं ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ मैं TDM को, लेकिन ये अभी नहीं खेलेंगे हम लोग। तो एक क्लासिक खेलते हैं, देखते हैं कैसा है। ये डाउनलोड तो हो चुका है, लेकिन ये अभी हम नहीं खेलेंगे। खेलेंगे हम लोग पहले अभी क्लासिक। लेट्स स्टार्ट का हो गया। सो गाइस, ये आ गया हमारा लॉबी, आ चुका है एरेंगल 2.0 का, जो कि स्पॉन आइलैंड। देख सकते हो भाई, स्पॉन आइलैंड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। एक से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। तो ये प्लेन था यहाँ पे, मतलब प्लेन साइड हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। देख सकते हो प्लेन जो बीच में था रोड के, वो उस साइड चला चुका है। तो ये देख सकते हो पूरा ये स्पॉन लैंड पूरी तरह से चेंज हो गया है। मतलब क्या भाई, क्या एकदम मतलब अलग ही कर दिया पूरा एकदम। और जो कंटेनर्स थे ऊंचे ऊंचे, वो सारे तो चले ही गए, छोटे छोटे कंटेनर्स हो गए। और कुछ कुछ यहाँ पे क्या है ये लकड़ी का पता नहीं। तो अब चलते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ा जो मुझे मतलब चेंज लगा है वो एरेंगल मैप 2.0 मैप में, वो है भाई मिल्टा पावर। गाइस पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मतलब पहले ऐसा तो कुछ रहा ही, वो मैं जाकर दिखाऊंगा। प्रिजन भाई सबसे कमाल लग रहा है, प्रिजन भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो पहले गाइस, इस वाले वीडियो में मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाऊँगा, तो इस वीडियो में पहले हम लोग स्कूल जाएंगे, वहाँ से गाड़ी लेके पहले मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा, फिर रोजॉक, फिर जॉर्जोपुल पोचिंकी और फिर मिलिट्री बेस तक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा पूरा दिखाने का। तो जा चलते हैं अब। तो भाई ग्राफिक्स देख सकते हो पूरी तरह से, मतलब क्या डिटेल्स दिख रहा है एकदम भाई, तबाही मचा दिया है इसने तो। तो यहाँ पर जल्दी से लैंड करते हैं, यहाँ से गाड़ी लेते हैं, क्योंकि हमें गाड़ी से बहुत दूर दूर तक जाना है। गाड़ी तो है, पहले आपको ये घर दिखा देता हूँ। देख सकते हो पूरी तरह से ये चेंज हो चुका है, मतलब क्या भाई पूरा मतलब कलर ये सब चेंज हो गया, कुछ डिज़ाइन ये सब चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही, बस कलर चेंज हो गया, कहीं पर टाइल्स लग गया है, यही सब है। और कुछ चेंजेस तो उतना ये सब घर में नहीं हुए हैं, कुछ लाइटें ये सब लग गई है सीलिंग्स वॉल पे। और यहाँ पे मैं टीममेट गाड़ी लेके भाग गया। यहाँ पे मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, ओके। तो अब जल्दी से चलते हैं स्कूल हम लोग। ये आ चुके हैं हम लोग अपार्टमेंट्स में, स्कूल अपार्टमेंट। तो स्कूल अपार्टमेंट में देख के उतना तो चेंज नहीं हुआ है, मतलब अंदर से वैसा ही है, बाहर से बस कलर चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखाऊंगा उतना।
तो मेन चलते भाई स्कूल में। भाई स्कूल जो चेंज हुआ है ना यार, क्या बताऊँ भाई, पूरी तरह से भाई कलर चेंज कर दिया गया स्कूल का। यहाँ पे मेरे साथ एक स्कैम हो जाता है, मेरे को लगता है बॉट है, लेकिन यहाँ पे देखना क्या होगा। हाथ में पिस्टल लेके घुसा था, उसने मेरे को नॉक कर दिया, लेकिन यहाँ मैं बच जाऊँगा, मेरे टीममेट मेरे को बचा लेता है। तो वो सब छोड़ गाइस, यहाँ देखो स्कूल की पूरी तरह से बाउंड्री वॉल ये सब पूरा चेंज हो चुका है, मतलब रियल लगता है ना वो हो चुका है हमारा स्कूल, ओरिजिनल स्कूल की तरह एकदम बना दिया गया है। ये देख सकते हो स्कूल के अंदर का मतलब पूरा डिज़ाइन। भाई ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, ये पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो चुका है अंदर से एकदम, मतलब कलर ये सब पूरा एकदम चेंज कर दिया गया है। बेंचेज ये सब लग चुके हैं, एकदम जो ओरिजिनल स्कूल होता है बिल्कुल उसी तरह से इसे मतलब बना दिया है एकदम चेंज करके। ये टॉप फ्लोर है, टेरेस ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ, बस प्लास्टर हो गया है पूरा एकदम। देखने में जो भाई लग रहा है ना भाई, क्या बताऊं। ये हो गया स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में उतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है, बस कलर ये सब चेंज हो गया। ये सब मतलब बिल्डिंग का डिज़ाइन ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ, बस कलर ये सब चेंज हो गया। मेन जो चेंजेस है मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलता हूँ, रोज़ा कब चलते हैं, या टीममेट का गाड़ी चुरा लेते हैं पहले। तो अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर करता तो भाई ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है, तो आधा ही कवर किया है। अब कुछ अगर रह जाए मतलब कुछ कुछ जगहों में जहाँ मैं आप लोग को नहीं दिखाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। जो रोज़ॉक भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस घर के कलर ये सब बस चेंज हो गए हैं, इंटीरियर कुछ डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है, बस उसी तरह से कलर चेंज हो गया, प्लास्टर लग गया और कुछ नहीं। यहाँ भाई पेड़ देखो भाई कितने मुझे डिटेल्ड लग रहे हैं एकदम, भाई दूर दूर तक का दिख रहा है यहाँ से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जॉर्जो पुल, और गाइस वाटर देखो, जो यहाँ वाटर रहता है ना मतलब रिवर का, देखो मैं दिखाता हूँ भाई, जो रियल लगता है ना भाई वो लग रहा है देखने में। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो भाई वाटर, भाई कितना रियल लग रहा है, अंदर तक के डिटेल्स दिख रहे हैं, पत्थर ये सब भाई बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड बनाया गया। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं जॉर्जो पुल में, तो अब जॉर्जो पुल कंटेनर्स ही मैं दिखाऊंगा, सिटी ये सब तो वही है सेम, बस कलर ये सब चेंज हो गया। जॉर्जो पुल में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ देख लो क्या चेंज हुआ है, मैं दिखा देता हूँ भाई। वेयर हाउसेस पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, और टावर वेयर हाउस का भाई डिज़ाइन देखो भाई, पूरा तरह से भाई लग ही नहीं रहा है कि अपना पुराना वाला वेयर हाउस है, पूरा चेंज हो चुका है। और ये क्रेन देखो, क्रेन भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है, पूरा मतलब रस्ट ये सब लग चुका है। और ये है अपना वेयर हाउस नया वाला, देख सकते हो भाई अंदर से क्या मस्त लग रहा है एकदम, मतलब क्या काम किया है भाई इसने एकदम, गजब का बना दिया है। और ये कंटेनर्स देख सकते हो, कंटेनर्स में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस ये फेडेड हो गए थोड़े से पुराने टाइप के। और भाई ये बूस देखो भाई कितना खतरनाक है, मतलब यहाँ कोई आके अगर बैठ जाए ना भाई कोई देख नहीं पाएगा, जो कैंपिंग करेगा ना भाई यहाँ से बंदा क्या बोलूँ, किसी को ही मार सकता है। ये भाई पूरा मतलब घास ये सब का साइज़ बढ़ा दिया गया है इस वाले मोड में, बुश ये सब को मतलब एकदम और ज़्यादा बड़ा बड़ा कर दिया है, और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अब भाई हम लोग चलते हैं पोचिंग की सबसे प्यारी जगह, तो हम लोग आ चुके हैं पोचिंग की में।
तो ये रहा पोचिंगी का भाई स्क्वाड हाउस। तो स्क्वाड हाउस देख सकते हो पूरी तरह से मतलब चेंज कर दिया गया। स्क्वाड हाउस मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा सारे घरों में से। इसको मतलब जो काम किया ना भाई स्क्वाड हाउस बहुत ही अच्छा बनाया है। इसको पूरा इंटीरियर बदल दिया गया है, ये सीढ़ियों में रेलिंग लगा दिया गया है। मतलब ट्रिक्स तो अब यहाँ पे नहीं हो पाएंगे जो पहले हुआ करती थी। जिन देख सकते हो पूरा पुचिंग की भाई सबका मतलब कलर ये सब चेंज हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं। मेन चेंजेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ट्राई करता हूँ इस वीडियो में काश दिखा सकूँ। तो भाई चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर का डिटेल्स देखो भाई। यहाँ पे स्पीडोमीटर आराम से दिख रहा है भाई, कितना डिटेल्ड बना दिया गया है। ये पूरी पुचिंकी है हमारी, मतलब पूरा चेंज कर दिया गया कलर सब। देख लो गाइस यही अभी हम लोग को कुछ दिन बाद ऐसा ही लगेगा पुचिंकी, पुराना वाला तो एंगल चला जाएगा तो ये न्यू एंगल आएगा ऐसा ही। पुराना एंगल जितना खेलना है भाई खेल लो, क्योंकि नया वाला आ जाएगा फिर ये ज़्यादा मज़ा इसी में आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। और ये सब मैं पूरा कवर नहीं किया हूँ पुचिंकी में, और कई सारी न्यू चीज़ें हैं जो आई है वो सब मैं दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में जो कि आएगी मेरी कुछ दिनों में। और मैं ट्राई करूंगा अभी रोज़ एक वीडियो डालने की। तो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस मिलिट्री बेस, तो अभी मैं वीडियो कट नहीं करूंगा क्योंकि आप पूरा देखो भाई सीन यहाँ का भाई, कितने बड़े बड़े मतलब पेड़ हो गए हैं यहाँ पे। मतलब एक्चुअली इसको मतलब पुराना बनाया गया है, मतलब मिलिट्री बेस पुराना हो गया है। अगर गाइस आपने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में ये दिखाया गया कि यहाँ पे मतलब अटैक हुआ था एंगल मैप में, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें टूट गई, पुरानी हो गई और कोई रहता नहीं है मतलब यहाँ पे। तो देख सकते हो पूरा मतलब पुराना हो गया भाई। ब्रिज देखो गाइस कितना ऑसम लग रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रक सबको हटा के कुछ बस लगा दिया गया है। इसी तरह से भाई पूरा एकदम डिटेल्ड बनाया गया है यहाँ पे, एकदम हर एक चीज़ को चेंज करने की कोशिश किया गया कि अच्छा लगे मतलब। तो गाइस अब हम लोग आ गए मिलिट्री बेस में, तो फॉर द फर्स्ट थिंग आप लोग देखोगे वो है भाई टावर। अपना भाई टावर पूरी तरह से मतलब टूट चुका है, पूरी तरह से नहीं बस ऊपर का मतलब टूट चुका है, जो रड्स थे लंबे लंबे वो पूरी तरह से भाई टूट चुकी है। तो इन टावर में बस इतना ही चेंज हुआ, नीचे हम पता नहीं किसने सीमेंट लगा दिया है, फ्लोरिंग कर दी है। और भाई ये रही अपनी सी बिल्डिंग भाई, जहाँ पे तबाही मस्ती है सबसे ज़्यादा। ये भाई देखो पूरा चेंज हो चुका है भाई, मतलब क्या बताऊँ भाई इसके बारे में, कितना भाई कितना ऑसम लग रहा है ये। और अंदर में भाई पूरा अंदर से चेंज हो चुका है भाई, बॉक्सेस देख सकते हो यार कितना ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया गया है यहाँ पे कवर के लिए भाई। इस अपडेट के बाद जो भाई तबाही मचेगी ना क्या बताऊँ। तो जाके मैं आप लोगों को टेरेस दिखा देता हूँ, तो गाइस ये रही टेरेस। यहाँ भाई देख सकते हो पूरा यहाँ से कैसा लग रहा है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को थोड़ा और दिखा देता हूँ मिलिट्री बेस कैसा है हर तरफ से, जो जो जगहें हैं भाई, कुछ कुछ नई नई यहाँ पे आई है चीज़ें वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक नया चीज़ है, पता नहीं ये क्या है, क्या चीज़ का सिंबल, लेकिन ये कवर के लिए काम आएगा एक अच्छा। और यहाँ पे कि ये पता नहीं क्या किस टाइप का ये टावर है, पता नहीं क्या चीज़ का सिंबल दे रहा है, लेकिन ये कवर के लिए बनाया गया, बहुत ही मतलब अच्छा कवर मिलता है यहाँ से। क्योंकि बहुत बार देखते होंगे कि फैक्ट्री से हम लोग आते होंगे और सी बिल्डिंग से बंदे मार देते हैं, तो इस बार मतलब यहाँ मिलिट्री बेस में कवर बहुत बढ़ा दिया गया है। जैसे देख सकते हो गाड़ी ये सब कितना सारा हो गया है, यहाँ से आप कवर लेके इजीली बंदे को मार सकते हो। जैसा देखो अभी मैं मारता हूँ इसको भाई, बस ये कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ मिलिट्री बेस में।
और भी चीज़ें हैं जैसे कि ये सब का इंटीरियर बस चेंज हुआ, डिज़ाइन में कुछ चेंजेस इन सभी में नहीं आई है। और वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री बस बाहर से ही चेंज हुआ, अंदर में कुछ नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। बस कलर देख सकते हो थोड़ा गोल्डन कर दिया गया है, कुछ और चेंजेस नहीं हुए हैं। सो गाइस हम ये इस वीडियो में मैं इतना ही दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं नोवो ये सब सारे मिल्टा पावर सब जगह भी दिखाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, एक घंटे की बन जाएगी पता चला दिखाने चला मैं पूरा तो। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर कोई जगह पे मैंने अगर कुछ छोड़ दिया हो दिखाना, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कैसा लगा ये मैप मुझे बताना, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच।